थोड़ा इन्हेंस करने के लिए एक जो बेजल आता है इसका रिप्लेसमेंट पार्ट वाला वो चेंज कर दिया है। इसके अंदर हमने नेक्सा के जनरल जो अलॉय व्हील्स है वो लगाया जो कि 17 इंचेस के रहने वाले हैं, जिसमें आपको एक एम्बियंट लाइट देखने को मिल जाती है जो कि काड़ी की K4 सीरीज रहती है। एक रैप किया है जो कि डबल टोन मून डिजाइन रहता है, कभी भी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है और कभी भी क्रैकिंग का जो सीन है वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। सीट का हमने इसके अंदर डबल टोन दिया है जिसमें आपको नीचे की तरफ विथ परफोरेटेड कॉफ़ी कलर मिलने वाला है जो कि इंटीरियर कलर है इसका। ऊपर हमने ब्लैक के अंदर कॉफ़ी की ही स्टिचिंग की है और बर्फी पैटर्न इसको दिया है। बिल्कुल ही ज़्यादा कंफर्ट आने वाला है, कहीं से लेकर कहीं तक आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि आपने कहीं बाहर से सीट का लगाया है। ऐसे आप लोग इसके ऐप पर जाएंगे तो यहाँ आपको एक फ्रंट कैमरे का जो व्यू है वो देखने को मिलने वाला है। ये फ्रंट कैमरा आप चाहे तो इसको आप ऐसे घुमा के कैबिन में भी देख सकते हैं। मैंने आपका यूट्यूब में वीडियो देखा था, कार बीस्ट का और आपका भी। हाँ जी, तो यहाँ के बारे में आपको कहें तो यूट्यूब या ऑनलाइन पता चला? ऑनलाइन पता चला। फिट फिनिश के साथ हो गया कंप्लीट? हाँ, सब कुछ ठीक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एन अदर वीडियो ऑफ कार बीस्ट। आज आपके सामने मैं एक और ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल का जो नया मॉडिफिकेशन है वो आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि हमने एक अच्छे बजट के अंदर तैयार किया है। मतलब 90,000 के अंदर इसका जो बजट है वो रहने वाला है, जिसमें आपके अलॉयज भी है, आपके स्टीरियो भी है, स्पीकर्स भी है, डैम्पिंग भी है और कैमरा भी है, मतलब सब कुछ। एक सीट कवर्स भी है, फ्लोरिंग भी है, मतलब एक अच्छा जो कहते हैं बजट के अंदर मॉडिफिकेशन करना, जो एक डिसेंट कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया मेरे को कुछ हाई एंड नहीं चाहिए, मेरे को ज़्यादा लो नहीं चाहिए, एक बजट के अंदर मेरे को मॉडिफिकेशन करवानी है, मैं उसमें क्या क्या करवा सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस गाड़ी के अंदर आज दिखाने वाला हूँ। तो पहले फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट इसके अंदर लगी अभी आपकी हेडलाइट में LED जो कि आपकी 220 वॉट्स आने वाली है अल्ट्रा ऑडियो ब्रांड की, जिसमें आपको 2 ईयर्स की वारंटी ऑन काउंटर रिप्लेसमेंट देखने को मिलने वाली है। साथ ही में इसके ऊपर हमने लुक थोड़ा इन्हेंस करने के लिए एक जो बेजल आता है इसका रिप्लेसमेंट पार्ट वाला वो चेंज कर दिया है। इसमें आपको 3 तरीके के जो ऑप्शंस है वो कार बीस्ट पे देखने को मिल जाते हैं नेक्सा में ही, जिसमें एक क्रोम होता है, एक पियानो ब्लैक पेस्टिंग वाला होता है और एक ये रिप्लेसमेंट पार्ट होता है पियानो ब्लैक के अंदर। तो हमने इसके अंदर पियानो ब्लैक रिप्लेसमेंट पार्ट है वो डाला है इसके अंदर। 220 वॉट्स की हेडलाइट LED है वो भी इंस्टॉल किया है। बाकी फ्रंट इसके अंदर कोई इतना मेजर काम नहीं हुआ है। आप चाहे तो जो पॉसिबिलिटी काम है वो यहाँ फ्रंट स्किड लगवा सकते हैं और 360 कैमरा जो है वो लगवा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है भैया, अब गाड़ी थोड़ी आपको टिल्ट खड़ी दिख रही होगी, उस टिल्ट का मतलब क्या है कि भैया इसके अंदर हमने नेक्सा के जनरल जो अलॉय व्हील्स है वो लगाया जो कि 17 इंचेस के रहने वाले हैं और प्रॉपर आपका डायमंड का डिज़ाइन जो है वो आपको इसके अंदर देखने वाला है, जिसकी फिटिंग अभी चल रही है। आगे वाला टायर फिट हो चुका है, पीछे वाला हुआ नहीं है, जिसकी कैप भी आपको अभी नहीं लगी है। ठीक है भैया, उसके अलावा बात करें इसके अंदर आप लोग रूफ रेल चाहे तो लगवा सकते हैं, जो कि इस गाड़ी में लगे नहीं है। इसमें डोर वाइजर लगे हैं नेक्सा जेन्युइन, जो कि आपको 1, 2 और 3 6 पीसेस के लिए आपको देखने को मिलने वाले हैं। गैलियो की इसमें लोअर गार्निश लगी है जो भी आपको 6 पीस के लिए देखने को मिलने वाली है। इसमें अगर आप रिप्लेसमेंट पार्ट वाइज लगवाते हैं तो उसमें आपको जो बीडिंग निकल के और बीडिंग पूरी डलती है वो वाली मिलने वाली, लेकिन वो आपको सिर्फ 4 पीस मिलेगी, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, उसमें आपको ये वाला पार्ट देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है भैया, बाकी इसमें साइड मोल्डिंग लगी नहीं है, आप चाहो तो वो लगवा सकते हैं। साइड प्रोफाइल में इसमें कोई इतना अच्छा काम नहीं हुआ, इसमें जो मेन काम हुआ वो इसके इंटीरियर के अंदर हुआ है। पहले मैं आपको इंटीरियर दिखाएंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई करेंगे इस गाड़ी के अंदर क्या काम हुआ है। पीछे आइए, बाकी पीछे की बात करो तो उसमें एक बैक ग्लास क्रोम लगा है जो कि पीछे की जो लुक है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, और साथ ही में इसमें आपका जो एक ब्लैक इंडिकेटर क्रोम है, जैसे कि हमने पीछे आगे पियानो दिया है तो पीछे भी जो है हमने पियानो का लुक ही इसको दिया है। और साथ ही में बात करें इसके कैमरे की, कैमरा हमने बिल्कुल जो OEM जगह आता है वहाँ हमने इसका इंस्टॉल किया है। इसमें फ्रंट एंड बैक कैमरे दोनों इंस्टॉल हुए हैं, तो आगे वाला कैमरा आपका डैश कैम का वर्क भी करेगा और पीछे वाला कैमरा आपका पार्किंग के लिए भी वर्क करेगा। साथ ही बात करें तो इसके अंदर हमने पार्सल ट्रे इंस्टॉल किया जो कि नेक्सा जनरल रहती है, और अभी इसमें अभी कॉम्प्लीमेंट्री बूट लाइट भी है वो डालने वाले हैं। और सिस्टम की बात करो तो उसके अंदर जीवा कंपनी का अपना 9 इंच सिस्टम लगा है जो कि 4+32 T5 प्रोसेसर, एप्पल का आपके DSP इनसाइड और 360 डैडी और फ्रंट एंड बैक कैमरा डैडी आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी अंदर चलते हो, अंदर आपको जो सीट कवर्स लगाया, सिस्टम लगाया, सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब आपने आफ्टर लगने वाला अलॉय का लुक देख लिया, अब आप एक बार व्हील कैप का लुक देखिए कि व्हील कैप का लुक कैसा रहता है, क्योंकि इसमें अभी अलॉय चेंज नहीं हुए हैं। तो आपको एक ही वीडियो के अंदर आफ्टर और बिफोर आफ्टर का जो फर्क है वो सिंगल वीडियो के अंदर कार बीस्ट पे देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और डिस्काउंटेड प्राइस आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। जैसा कि हम लोग देखेंगे अपने अलॉयज का जो काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है, विद मारुति सुजुकी जेन्युइन कैप आपके जो अलॉय है वो इंस्टॉल भी हो चुके हैं। तो आपको हमने चारों टायर्स का जो बिफोर आफ्टर का जो पूरा लुक था वो हमने आपको चेक करवा दिया। अब गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं, आपको इंटीरियर में सारी चीज़ें एक बार अच्छी तरह चेकआउट करवा देते हैं। जैसा कि हम लोग देखेंगे अपना पूरा जो काम है इंटीरियर का वो भी कंप्लीट हो चुका है। इंटीरियर में इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया एक बजट मॉडिफिकेशन हुई है, जिसमें आपको एक एम्बियंट लाइट देखने को मिल जाती है जो कि काड़ी की K4 सीरीज रहती है, और जिसमें आपको वॉइस कमांड, मल्टीपल फीचर्स,
आप इसको बाय स्विच और बाय फोन दोनों तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे अभी कलर चेंज हो रही है और ये बाय वॉइस के साथ भी आपकी जो है वो काम करती है। अब बात करें इसके अंदर हैंडल की, तो हमने हैंडल चेंज नहीं किया है, इसके अंदर हमने हैंडल पे एक रैप किया है जो कि डबल टोन मून डिज़ाइन रहता है, जिसमें आपको यहाँ की तरफ जो इंटीरियर कलर पोजिशन है वो देखने को मिलता है, ऊपर जहाँ से आप लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं वहाँ की तरफ से आपको ब्लैक कलर का एक पोजिशन देखने को मिल जाता है। सिस्टम की बात करें तो हमने इसके अंदर पहले आगे JBL के स्ट्रेक 3 के कंपोनेंट्स लगाए हैं, JBL स्ट्रेक 3 के पीछे कोएक्सल लगाए हैं, जिसका वॉइस एक अच्छा डिसेंट साउंड आपको JBL ब्रांड के अंदर मिल जाता है। ब्रांड है तो बेसिकली आपको अच्छी चीज़ ही देखने को मिल जाती है, ठीक है भैया। इसके अलावा नीचे हमने इसमें फ्लोइंग नहीं की, हमने इसमें GFX के मैट इंस्टॉल किए जो कि लॉन्ग लाइफ मैट्स रहते हैं और आपको इस मैट्स के अंदर कभी भी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है और कभी भी क्रैकिंग का जो सीन है वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। और अब जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में हमारी आप बोल सकते हैं माहिर है हम लोग, वो है इसके सीट कवर्स। सीट कवर्स हमने इसके अंदर डबल टोन दिया है, जिसमें आपको नीचे की तरफ विथ परफोरेटेड कॉफ़ी कलर मिलने वाला है जो कि इंटीरियर कलर है इसका, ऊपर हमने ब्लैक के अंदर कॉफ़ी की ही स्टिचिंग की है और बर्फी पैटर्न इसको दिया है। फिटिंग और फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही ज़्यादा कंफर्ट आने वाला है, कहीं से लेकर कहीं तक आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि आपने कहीं बाहर से सीट कवर्स लगाया। थीम इसका सेम हमने अल्फा वाला ही दिया है। बाकी बात करें तो इसके अंदर हमने फ्रंट USB जेनुइन होती है वो लगा दी है, जेनुइन की पहचान में आपको बताई है, इसके अंदर ऑक्स का आपको जो निशान है वो देखने को नहीं मिलेगा और USB आपको ऊपर लिखी हुई देखने को मिल जाएगी। बैक का USB इसके अंदर हमने लगा दिया है जो कि आपका रहने वाला है प्रॉपर सी टाइप और USB दोनों ही आपको इसके अंदर देखने मिलने वाले विद फास्ट चार्जिंग। गियर नो भी इसके अंदर खुला नहीं है जो कि हमारा गियर में ड्राइवर ग्लिच होता है, तो गियर हमने भैया को दे दिया है, वो इसको अपना जहाँ भी शोरूम में चाहे वो इसको कभी भी चेंज करवा सकते हैं, ठीक है भैया। अब बात करते हैं मेन जो एक गाड़ी के अंदर देखने वाली बात होती है सिस्टम की, तो सिस्टम इसके अंदर जीवा का मैं लगाया है जो कि आपका 360 भी सपोर्टेड है और फ्रंट एंड बैक भी सपोर्टेड है, लेकिन हमने सिर्फ इसके अंदर आपका फ्रंट और बैक कैमरा ही लगाया है, जिसमें आपको वायरलेस कारप्ले और विद वायर एंड्रॉइड ऑटो देखने को मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है, आप देखेंगे कहीं से कहीं तक कोई लैगिंग नहीं देखने को मिलेगी 9 इंचेस के अंदर, एक लो बजट के अंदर बहुत अच्छा स्टीरियो हम लोग इसको मानते हैं। और इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो आप इसके अंदर मैप यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर नेटफ्लिक्स वगैरह देख सकते हैं और कॉलिंग वगैरह के सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है भैया। अब इसका मैं आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा दिखा देता हूँ कि वर्क कैसे करता है। तो जैसे आप लोग इसके ऐप पर जाएंगे तो यहाँ आपको एक फ्रंट कैमरा का जो व्यू है वो देखने को मिलने वाला है। ये फ्रंट कैमरा आप चाहे तो इसको आप ऐसे घुमा के कैबिन में भी देख सकते हैं और आप चाहे तो इसको ऐसे सीधा करके आगे, ये DVR का काम भी करता है। साथ ही बात करें तो ये बैक कैमरा आपका ये रहने वाला है जिसमें आपको वाइड एंगल देखने को मिलता है, अगर आपको इसका पूरा वाइड एंगल चाहिए तो आप यहाँ टैप कर सकते हैं और अगर आपको खाली आपको बैक गियर लगाना है तो आप सिंपली बैक गियर भी लगा के देख सकते हैं। जैसे हम लोग अपना BTEC करेंगे कनेक्ट, ये अपना जो कारप्ले है वो उसको कर लेगा कनेक्ट, बेसिकली कुछ टाइम लेता है ब्लॉपंग के मुकाबले, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए रहने वाली है। बाकी इसके अंदर हम लोग एक डेमो की वीडियो लगा देते हैं विथ नो साउंड, जिससे कोई कॉपीराइट वीडियो के अंदर ना आए, आपको वीडियो भी इसमें अच्छी देखने को मिलती है और प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा पिक्सल रहने वाला है। विथ IPS डिस्प्ले आती है जिससे आपको हर एक चीज़, हर एक जो कलरिंग है, हर जिसकी थीम है वो बहुत अच्छी आपको देखने को इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है भैया। और साथ में बात करें तो जो कंट्रोल्स इसके अंदर ये आपके हो जाते हैं अटैच, तो जिससे जो आपका ये भी है वो भी इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये एक थी हमारी ग्रैंड विटारा की एक बेसिक बजट मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने 90,000 के अंदर इसके अंदर अलॉयज भी लगा दिए, स्टीरियो स्पीकर डैम्पिंग वगैरह सारा काम कर दिया। डैम्पिंग का फर्क देखेंगे जैसे हम लोग अंदर बैठे हैं, रोड की आपको कोई नॉइस देखने को नहीं मिलने वाली है, सिर्फ आपको मेरी नॉइस इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। यही मैंने आपको एक दिखाया कि बहुत कस्टमर बोलते हैं भैया हमको ज़्यादा हाई एंड काम नहीं करवाना, हमको एक बेसिक काम करवाना है जिसमें आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा मिल गया, आपको आप चाहे तो मैं सीखी भी लगवा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो अब चलते हैं कस्टमर के पास, भैया का रिव्यू लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको एक काम कैसा लगा और वो हमको क्या स्टार रेटिंग देना चाहेंगे। एक बार मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं सर का कैसे कुछ फीडबैक रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम आसिफ है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं गुड़गांव से। यहाँ के बारे में कहीं कैसे पता चला आपको? मैंने आपका YouTube में वीडियो देखा था, कार बीस्ट का और आपका भी। हाँ जी, तो यहाँ के बारे में आपको कहें तो YouTube या ऑनलाइन पता चला? ऑनलाइन पता चला। तो जो जो चीज़ें आपको अपनी कार के लिए चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पर मिल गई है? हाँ, मैं पूरा रिसर्च करके आया था कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें लगानी है, बट 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी क्योंकि यहाँ के थोड़ा मतलब वैरायटीज मिल जाती हैं, तो थोड़ा बजट बढ़ जाता है, लेकिन ठीक है। तो आपने इन बजट काम करवाया एक, तो उस हिसाब से कहा जाए तो सारा काम जितना भी हुआ है गाड़ी के अंदर फिट फिनिश के साथ हो गया है कम्प्लीट? हाँ, सब कुछ ठीक है। फिट फिनिश को अगर रेट करना हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? 9 इज ओके। ओके, अब अगर आपने रेट तो कर दिया है, कल को गुड़गांव से कोई भाई हमारा देख रहा हो वीडियो को, उसको रिकमेंडेशन देना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, जरूर।
जरूर देंगे मतलब काम से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आप वीडियो देख करके आज के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।